जैसे कहते हैं ना कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो केंद्र में सत्ता पर काबिज होता है, ऐसा राजनीति में अब तक हम कुलदीप देखते आए हैं। लेकिन बात हरियाणा चुनावों की हो रही है और हरियाणा में भी एक इलाका ऐसा है जिसे जो जीतता है वो चंडीगढ़ में विधानसभा में अपनी सरकार बड़े नंबरों के साथ बनाता है। ये इलाका जो है हरियाणा का, उसे कहते हैं जीटी बेल्ट, जीटी रोड बेल्ट। और आज इसी जीटी रोड बेल्ट के बारे में तफसील से मैं और कुलदीप आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि 2014 में जिस बीजेपी ने 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाकर 27 में से 20 सीटें इस जीटी रोड बेल्ट पर जीत ली थी और पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई थी, उस जीटी रोड बेल्ट पर ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी का रथ पंचर भी हो सकता है और इस बार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। खबर पुस्तक देख रहे हैं आप, मेरा नाम राहुल गोयल है, मेरे साथ हैं कुलदीप भाई। तो जीटी रोड बेल्ट की हम बात कर रहे हैं कुलदीप भाई, आंकड़ेबाजी के लिए आपने डेटा निकाल के रखा है जी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले हैं जो जीटी रोड बेल्ट पर आते हैं। तो जीटी रोड वही सड़क है जिसके बारे में हमने बचपन में स्कूल में इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि दुनिया की सबसे लंबी सड़कों में से एक, जो बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर कहा जाता है पूर्व में और पश्चिम में जाती है, वो कहाँ तक, काबुल तक, इतनी लंबी सड़क है। और चंद्रगुप्त को भी, मौर्य को भी इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है, साथ ही अशोका को भी दिया जाता है। लेकिन इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया ये गया कि शेरशाह सूरी जो है उसने इसका निर्माण पहली बार किया था, जीटी रोड का, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़कों में से एक है। करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सड़क है ये। और जब हम यहाँ, जब हम नोएडा में आज खड़े हैं, नोएडा से जब हमें हरियाणा जाना होता है कुलदीप, तो अब तो ईस्टर्न पेरिफेरल है लेकिन उसके बाद भी आप उतरते हैं जीटी रोड पे और फिर ये सारे तमाम शहर जो है इनसे आपका सामना होता है आगे बढ़ते हुए। तो आप एक एक करके बताइए फटाफट कि ये जो आंकड़ा है ये मेरे ख्याल 19 का है, ये 19 का आंकड़ा है। तो 19 में स्थिति क्या थी, 24 में अब क्या होती हुई दिख रही है, और फिर मैं 14 के आंकड़ों पे भी आऊंगा। बिल्कुल, ये जैसे आपने कहा कि दिल्ली से जाते हैं पेरिफेरल बन गया, लेकिन उतरते हम सोनीपत में हैं। सोनीपत में आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे 6 सीटें हैं सोनीपत में जिसमें कांग्रेस हमेशा हावी रही है तकरीबन। यहाँ पे 4 सीटें बीजेपी की, 2 सीटें अन्य कोई, यहाँ पे ना जेजीपी थी ना इनेलो था, जीरो, सब कुछ जीरो 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 वालों को जीरो। उसके बाद पानीपत की बात करें, पानीपत का भी स्ट्राइक रेट 50-50 था। तो जो शहर की सीटें हैं पानीपत सिटी और पानीपत ग्रामीण, वो बीजेपी के पास थी। जो इसराना और संभाल का थी वो गई कांग्रेस के पास, वो गई कांग्रेस के पास, ठीक। और करनाल में 5 सीटें, ये सीएम सिटी मनोहर लाल खट्टर यहीं से थे, अब उपचुनाव में नायब सैनी भी यहीं से विधायक हैं। इसमें 5 में से कांग्रेस के पास एक है, बीजेपी के पास, मतलब ये बीजेपी का गढ़ रहा है, मतलब अभी अभी फिलहाल के सालों में ये बीजेपी के पास है इलाका। कुरुक्षेत्र की क्षेत्र में स्थिति ये है कि 1 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी के, और 1 ये नई पार्टी ने जन्म लिया जजपा, जेजेपी। अच्छा, ये उसकी सीटें, ये उसकी सीट। यमुनानगर की बात करें, यहाँ पर भी 2-2 सीटें हैं, और यमुनानगर से मंत्री आते कंवर पाल गुर्जर जगाधरी से, यमुनानगर सिटी की भी बीजेपी के पास है, बाकी 2 की कांग्रेस के पास। तो यहाँ भी मुकाबला बराबरी पर छूटा, बराबरी। 19 अंबाला में भी सेम है, अनिल विजय यहाँ से आते, यानी शहर की जो थी, और बाकी जो बची मुलाना और वो सब कांग्रेस के पास थी। ये स्कोर बोर्ड जो है 2019 का है, और अगर आप फाइनल टैली देखेंगे तो 27 सीटें इन 6 जिलों में आती है, इनमें से 12 कांग्रेस के पास, 13 बीजेपी के पास, और 2 निर्दलियों के पास, जिसमें से 1 जेजेपी जिसने सरकार बनाई मिलकर के बीजेपी के साथ। हालांकि अब वो अलग हो गए हैं, और अब आने वाले चुनाव में यहाँ क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर मामूली बढ़त है, ये मान ली बीजेपी, ये मामूली बढ़त है बीजेपी की। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, असल में 2014 में इसी इलाके में, इसी जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी को बड़ी शानदार बढ़त मिली थी, करीब 27 में से 20 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। ये आंकड़ा भी मेरे ख्याल से जो है ये नीचे होगा, इन आंकड़ों पर हम वापस आए उससे पहले। हाँ, तो यहाँ पर ये नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरअसल ये हरियाणा का मैप है, और ये जो कुलदीप, ये जो तमाम
नाम हम देख रहे हैं, जिले हैं ये, जीटी रोड देखेंगे तो आप ये इस तरह से सीधी जो है बिल्कुल ये जाती है और यही जीटी रोड, और ये आगे चंडीगढ़ की तरफ, ये राहुल भाई मैं वही कहने वाला था, यही जीटी रोड है जो मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचाएगा। तो चंडीगढ़ विधानसभा हरियाणा की जो है जहाँ बैठती है उसका प्रवेश द्वार जो है वो इसी जीटी रोड के सोनीपत से शुरू होकर पानीपत, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला होता हुआ फिर चंडीगढ़ पहुंचता है। तो 2014 में यहाँ बड़ा दिलचस्प हुआ था, तब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर देश में चल रही थी और तब बीजेपी यहाँ की 27 में से 20 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट जो है वो उस वक्त रहा था। ये आंकड़े हालांकि जो है वो 2019 के हम आपको दिखा रहे हैं। जी जी। अच्छा, 14 में 20 सीटें जीती था और वो पहली बार था हरियाणा में कि इतनी भंपर जीत यहाँ पर आपको देखने को मिली, पहली बार हरियाणा। तो अच्छा, और फिर इस सीट पर, इस बेल्ट पर जातीय समीकरण जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप बताइए। ये एससी ओबीसी है जिसका चर्चा चल रही है देश भर में, अब तो राहुल गांधी जाति जनगणना की भी मांग चल रही है, हालांकि ये यहाँ पर 62% है। अच्छा, तो इस बेल्ट पर सबसे ज्यादा आबादी जो है वो एससी और ओबीसी समुदाय की है, वही एससी और ओबीसी समुदाय जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसके नाराज होने का खामियाजा दरअसल भुगतना पड़ा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, नुकसान हरियाणा में भी हुआ, 5-5 सीटें आई, और नुकसान पूरे देश में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान जैसे देशों में राज्यों में भी हुआ और हरियाणा में भी हुआ। तो एससी और ओबीसी वोट बैंक की भूमिका इस जीटी रोड बेल्ट पर बहुत अहम हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं जाट, जो 18% आबादी है इस बेल्ट में जाटों की। कुलदीप, ये वही बेल्ट है जो यहाँ पर एससी ओबीसी आप बता रहे 62% है, जाट 18% है, और यही वो बेल्ट है जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रही, खासकर सोनीपत, पानीपत, करनाल जो है, और जो बॉर्डर यहाँ पर दिल्ली के साथ लगते हैं वहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन होता रहा और 2 बार ये प्रदर्शन हुआ, और इस वजह से माना जा रहा है कि जो जाट हैं वो भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। वो नाराज हैं, खाली जो जीटी रोड बेल्ट है इसकी महत्व इसलिए है बीजेपी के लिए क्योंकि यही सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे ज्यादा मात्रा भी इन लोगों की यहाँ पर है। अगर ये भी नाराज है, जैसे 14 से और 19 में आपने देखा कि 7 सीटों का नुकसान, और यही जो आखिरी नतीजे थे यानी 47 सीटें 2014 में जीत में दर्ज की, 19 में आते थे 40 सीटों पर बीजेपी रह गई यानी बहुमत। अच्छा, क्योंकि वहां पर 20 सीटें थी 2014 में बीजेपी की इसी बेल्ट में, 27 में से 20 जीती थी, तब 47 सीटें मिली थी, अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला था बिल्कुल। फिर 19 में इसी बेल्ट में नुकसान हुआ कोई 7 सीटों का, और वही 7 सीटें रिफ्लेक्ट होती है कहां पर, विधानसभा में सीटों के आपके नंबर पर, जो 40 पर आकर अटक जाती है और बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती है, वो तो जेजेपी ने जान बीजेपी की उस वक्त बचा ली। तो ये इसलिए जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब अगर ये बेल्ट इस बार भी ओबीसी के नाम पे, जैसे आरक्षण के नाम पे तमाम मुद्दे हैं, अगर ये नाराजगी रही तो यही बेल्ट है जो सत्ता से दूर करने में मुझे लगता नहीं कि कोई कसर छोड़ेगी बीजेपी की इस बार। तो सत्ता की चाबी जो है वो जीटी रोड बेल्ट में जो वोटर्स रहते हैं उनके हाथ में, और इसकी एक बड़ी वजह भी समझ आती है क्योंकि जो एससी ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ खिसका था 2014 में और 19 में भी छिटका, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बीजेपी के साथ बना रहा, अब उसमें और भारतीय जनता पार्टी में जो है एक दूरी दिखाई दे रही है, और जिस तरह से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और हरियाणा के तमाम कांग्रेसी नेता तमाम मुद्दे उठा रहे हैं ओबीसी और एससी को उनका जो हक है वो दिलाने को लेकर, ऐसे में और जो पीछे हरियाणा सरकार की जितनी नीतियां रही, पॉलिसी रही, जिनकी जो है नाराजगी और जिनके खिलाफ प्रदर्शन होते रहे, वो भी बड़ी जिम्मेदार है। और ब्राह्मण यहाँ पर 11% है और पंजाबी है 9%, तो ये मिलाकर भी अगर हम देखें तो 20% बैठता है, जबकि जाट अकेले जो है वो 18 से 19% के आसपास है। तो अगर बीजेपी ब्राह्मण और पंजाबी वोट बैंक को अपने साथ लाने में कामयाब रहती भी है, जो उनके पारंपरिक वोटर्स माने भी जाते हैं, तो भी जब तक इस वोट बैंक को, यानी कि ये करीब आपका हो गया, ये करीब करीब आपका 70% के आसपास जो है, ये दोनों वाला, हाँ, ये कम से कम आपका 80% के आसपास जो है, तो वही बात है कि 80% जो कहा जाता है कि देश का जो 80% समुदाय है, जो पिछड़ा है, ओबीसी है, उनके हक की जो बात हो रही है, तो वही 80% जो समुदाय है वो यहाँ पर भी तय करेगा कि इस जीटी रोड के रास्ते होते हुए चंडीगढ़ में विधानसभा में जाकर कौन बैठेगा। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य जो है ना कुलदीप, जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी पता लगा, इसी जीटी रोड में ये जो पानीपत है जी जी, इसमें आपने 4 सीटें जो है वो गिनाई, पानीपत शहरी, ग्रामीण, इसराना और समालखा, तो इसमें मैं जब पढ़ाई कर रहा था जो मुझे समझ आया, जिसके बारे में आप दर्शकों को विस्तार से बताइएगा, कि समालखा एक ऐसी सीट रही है जिससे आखिरी बार
1967 में बीजेपी ने आखिरी बार जीता था, रणधीर सिंह तब भारतीय जनसंघ हुआ करता था जो बाद में जाके बीजेपी में बदल गया, तब रणधीर सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। और उसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। और दूसरा इंटरेस्टिंग और रोचक फैक्ट यह है कि कुलदीप समालखा पर तमाम पार्टियां, कांग्रेस या बाकी की जितने पार्टियां हैं, INLD, JJP तो खैर अब आई है, वो सब जीती हैं यहां से चुनाव, निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, लेकिन बीजेपी 1967 के बाद यानी कि हरियाणा के अस्तित्व में आने के कुछ साल बाद ही जब चुनाव हुआ, पहली बार में जीती भारतीय जनसंघ, उसके बाद से अब तक कितने साल हो गए कुलदीप? लगभग ये मान लीजिए 57 साल हो। तो 57 सालों में समालखा में बीजेपी एक बार भी नहीं जीती। और 14 में जब प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही थी, 27 में से 20 सीटें इस बेल्ट में बीजेपी ने जीत ली, पानीपत की भी 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली, तब भी समालखा की सीट ऐसी थी जहां से रविंद्र मछरौली जो है वो जीत, यानी वहां की जनता ने निर्दलीय को चुनना बेहतर समझा। हाँ। लेकिन बीजेपी तब भी वहां पर दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर रही है। और अब तो बीजेपी के 5-5 दावेदार, जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, वो मैदान में। तो बीजेपी की राह इस वक्त इस GT रोड बेल्ट पर तो मुश्किल लग ही रही है। और GT रोड में इस पर प्रवेश करते ही सोनीपत से आके जब हम पानीपत की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में समालखा पड़ता है, और वहां तो बीजेपी का खाता जो है वो 57 सालों से खुला ही नहीं है। अब पिछली बार तो सत्ता की चाबी मान लीजिए JJP के पास थी, लेकिन सही मायने में चाबी जो सत्ता की है इस GT रोड के पास है, जनता के पास है। जिसके पास ये जनता होगी वही चाबी घुमाएगा और चंडीगढ़ जाएगा, और एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता देता हूँ कि 2005 तक समालखा से जो भी जीतता था उसे मंत्री पद मिलता ही मिलता था, ये तय था। और इस जिले में, पानीपत जिले में, सबसे ज्यादा मंत्री समालखा सीट से ही बनते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला भी रुक गया। क्या बाद में बीजेपी आई तो वो जीती नहीं पाई, तो खैर मंत्री बनने का सवाल ही नहीं था। इसलिए इस बार समालखा के लोग ये भी ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं, जो हमारी बात हुई वहां पर कुलदीप, जब सड़क पर उतरे, करतार सिंह भी मंत्री रहे, तो समालखा के लोगों के मन में ये भी होगा कि वो उस पार्टी को वोट करें जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो, ताकि यहां से जो विधायक जीतकर जाए वो उसके वहां मंत्री बनने की संभावनाएं ज्यादा हो सरकार में, ताकि इलाके का काम और इलाके का विकास जो है वो हो पाए, ज्यादा हो पाए। और फिलहाल की स्थिति में बीजेपी जो है वो हरियाणा में थोड़ी सी पिछड़ती हुई लग रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि समालखा सीट या फिर पानीपत या फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, जिनका हमने जिक्र किया, ये वो तमाम इलाके हैं जो GT रोड बेल्ट का हिस्सा हैं, और यहाँ पर बीजेपी जो है फिलहाल फंसती हुई नजर आ रही है। तो आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा। आखिरी कमेंट ये भी है, GT रोड बेल्ट को अब भी पता है, अगर आप ताजा भी हरियाणा में गए हों और जैसे ही वापसी करते हैं आप दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो GT रोड है अब भी सीमेंट और कंक्रीट से फिक्स कर रखा है, और घंटों लोगों को अब भी जाम में खड़ा होना पड़ता है। तो तब जाके फिर लोगों को आंदोलन भी याद आता है और बीजेपी सरकार का, वो जो सीमेंट के बैरिकेडिंग सरकार हटवा नहीं पाई, वो बेसिकली लोगों को याद दिला रहे हैं कि 2-4 महीने पहले यहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से किसानों के ऊपर जो है आंसू गैस के गोले और कुछ मौतें भी हुई थी। तो वो बेसिकली स्मारक बन गई है उस आंदोलन का, वो जो बैरिकेड सरकार हटा नहीं पाई, जो बार बार शायद वहाँ के लोगों को और खासकर जाट समुदाय को और किसानों को, जिसको नहीं पता उसको भी याद है। जब आप पूछ रहे थे यहाँ पे GT रोड पे जाम कैसा लग गया, अभी 10 दिन पहले आप आए, लगभग 40-45 मिनट वहाँ पे लगी, पीछे 6 लाइन का रोड है और आगे फिर वो सिंगल छोड़ दिया केवल एक कार निकलने के लिए, तो वो तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी दिख रहा है कि हाँ सरकार ने क्या, और वो तब भी नहीं हट पा रहा जब हाईकोर्ट भी कह चुका है कि भाई आप किसानों से बात करके इसे हटाएं। तो लबोलुआब ये है कि जैसे GT रोड पे उस बैरिकेडिंग की बात कुलदीप कर रहे हैं, जो सोनीपत से हम जब दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता जो है वो अभी भी, जहाँ किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पर वो सीमेंट के बैरिकेड्स अभी भी लगे हुए हैं, कंक्रीट के, वो अभी भी रास्ता रोकता है और वो आगे जाने वाले ट्रैफिक को बाधित करता है। और वही बैरिकेड इस GT रोड पर भाजपा के लिए एक बड़ा बैरिकेड साबित ना हो जाए, और भी तमाम वजहें जो हम आपको लगातार गिनाते आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लोग अभी उस ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, बीजेपी का रथ जो है वो भी फंस जाए, टूट जाए पहिए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।